सफलता मुझे मिली, जिनके हमारे अध्यक्ष जी, सचिव जी, हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय हैं, इन सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में मिली है। और मैं आज इन सबको आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और आशा करता हूँ भविष्य में भी वो मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए, ये पिछले मतलब 2004 से मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 2004 से कंटिन्यू न्यायिक सेवा में आने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्री मेंस इंटरव्यू, कभी प्री से, कभी मेंस से, कभी इंटरव्यू से आप बाहर आते हैं, लेकिन सभी जितने भी अधिवक्ता महोदय थे, सीनियर थे, वो लोग मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे इस चीज़ के लिए, और उन्हीं के आज के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना की है कि आप जहाँ भी जहाँ निष्ठा और ईमानदारी से इस पद का कर्तव्य से निर्वहन करें, और हमारी बार एसोसिएशन आपको बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। सभी अधिवक्ताओं ने इनको बधाई दी है, और नए अधिकारी बनने में बधाई दी है। उनके सम्मान समारोह में एक प्रोग्राम हुआ है बाहर का, और जिसमें हमारे रुड़की के सभी जो जजेस हैं, एडीजे साहब और जितने मजिस्ट्रेट हैं, सब आए थे। हमने उनका एक सम्मान समारोह दिया है और उनको आशीर्वाद दिए हैं, और मैं हमने सब सब लोगों ने उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हमारी रुड़की बार एसोसिएशन, रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य, पूर्व सदस्य श्री अश्वनी गौर जी, बहुत ही प्रतिभावान अधिवक्ता के रूप में हमारे साथी रहे हैं, और उनके द्वारा लगभग 15 वर्षों से निरंतर प्रयास किया जा रहा था उच्चतर न्यायिक सेवा चयन के लिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम चरण तक पहुंचे, और अंततः उन्होंने आज 15 साल बाद हमारे उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा में जो एचजीएस के रूप में चयन प्राप्त किया है। तो उनको बधाई स्वरूप, उनके सम्मान स्वरूप एक कार्यक्रम आयोजित।